इतने सारे लोग, मतलब आपने पूरे अमेरिका से पैसा लिया हुआ है? अबे वो हमारा शो देखने आए बेवकूफ आदमी, तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? मुझे तो आप एयरपोर्ट पे छोड़ आए थे, वो तो मेरे को एक बड़ी शरीफ लेडी मिल गई, उसने मुझे रास्ता दिखाया। कौन सी शरीफ लेडी? उसने मशाल पकड़ी हुई थी और जब मैं होटल पर पहुंचा वो शरीफ लेडी वहीं पर खड़ी थी। क्या हुआ? मेरा कसूर है। हाँ जी मैम, आप हाथ छोड़िए, दिल मिलाइए मैडम। पर ये कि मैं आप शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक्स थैंक्स लॉट। मैं डेफिनेटली फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस, ओके? थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू। मैडम हाथ धो लेना, ये हाथ धोते नहीं काम करने के बाद। घटिया आदमी घटिया बात करेगा। तू मुंह नहीं धोता, अगर मैं हाथ नहीं धोता इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम हैविंग इंग्लिश वाटर। आप तो बदला ले रहे हो मेरी बात का। खैर तुझे तो एक्चुअली वो बेवकूफ आदमी वो श्री लेडी नहीं थी, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऐसे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करवाते ऐसी बात। अच्छा चलो साहब जी, जो मर्जी हो, लेकिन जब से मैं अमेरिका में आऊँ एक चीज मैंने नोट की है, अमेरिका के बड़े बड़े एडवांस लोग हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका कोई कसूर नहीं है, मुझे पहले इसको मेरठ घुमाना चाहिए था, दिल्ली घुमाना चाहिए था, तेरे को मैं गलत अमेरिका ले आया पहले मैं। तो आप लेकर आए हो, आपने जहाज चलाया, वीजा के लिए इंटरव्यू मैंने दी है। इसका ढक्कन दे यार, कौन सा इंटरव्यू दिया बताऊं मैं सबको, कैसा इंटरव्यू दिया? मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेसिक बेसिक सवाल याद रखना, वो लोग ये पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, तो मैंने बोला तो कि एज ए टूरिस्ट, तो मैंने कहा अगर पूछेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोल देना 10 डेज। ये बेवकूफ सेम याद कर गया कि तू ध्यान से सुन तो सही वो क्या बोल रहे हैं, रट्टा लगा के चल गया। वो कहते कहते व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, नहीं उसने कुछ और पूछ लिया इससे सवाल। हाँ कहते हु इज योर फादर, कहता टूरिस्ट, कहता हाउ ओल्ड ही इज, कहता 10 डेज, कहता गेट आउट, कहता थैंक यू। ये घटिया काम करके आया हमें साहब जी, वो इंग्लिश नहीं देखते, वो बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत है भाई, कल एक ऊंट को बर्फ खिला रहा था, कहता तेरे को और खिलाऊंगा, मुझे कुल्फी दे डायरेक्ट। तो तू अगर ये बात किसी भैंस को भी बोलता ना, किसी हद तक मेरी समझ में आती। ऊंट लंबा होता है, कुल्फी लंबी मिलेगी, इसलिए उसको बोल रहा था मैं। और वैसे भी जब आपके घर में खाने का कुछ होगा नहीं तो बंदा नई नई चीजें ट्राई करेगा, और वैसे भी ये अच्छे कपड़े डालकर ना मुझ पर रोब मत जमाओ, जिसके कपड़े वो बाथरूम में आपकी वेट कर रहा है। बकवास करता है, कुछ भी बोलता है, खाना नहीं देते, ये नहीं बोलते। आप सोचो कितने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे घर में, हमारे पास खाना नहीं मिलता। आपके घर में है कुछ खाने के लिए ये बताइए आप? थाली तक चाट जाता है। थाली? आप थोड़ा सा शर्म कर लिया करो बोलने से पहले। मैं बताता हूँ इनके घर में थाली किसको कहते हैं, थोड़ा सा खाना जमीन पर गिर जाए ना, उंगली के साथ सर्कल बना देते हैं उसके इधर के, कहते ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ऐसे तो ये लोग हैं। ऊपर से इतने कंजूस है, कल बिल्ली रोती हुई इनके घर से निकली, कहती मैंने इनका एक ग्लास दूध पिया, मेरा डेढ़ ग्लास दूध निकाल लिया। बिल्ली इसको बता के जाती कान में, इसकी मासी लगती है ना। क्या साहब मेरी बात, बिल्ली में आप बताओ, आप समझदार लोग हो, 2 ग्लास दूध बिल्ली में होता है? ओ आप जैसे लोग निकाल लेते हैं। साहब जी मेरी बात सुनो, मैं क्या है तू, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, मेरे को कागज का टुकड़ा चाहिए, यहाँ इतनी सफाई है मेरे को वो नहीं मिल रहा। क्या करना है कागज? मैंने चिंगम फेंकनी है। क्या बकवास ना कर तू, क्यों चिंगम फेंकनी है? संभालनी होगी, इसने 8 साल से सेम चिंगम खा रहा है। हाँ तो ऐसे थोड़ी खा रहा हूँ, पहले इसको धोता हूँ, फिर चीनी के 3-4 दाने उसमें लगाता हूँ ताकि टेस्ट आता रहे। डिटेलिंग देखो मेरे भाई की, डिटेलिंग देखो, यही ध्यान पढ़ाई में लगाया होता ना, आज नासा में तो ऑटो रिक्शा चला रहा होता है। आपके कौन से चाचा जी का नासा है जहाँ ऑटो रिक्शा चलता है? वहाँ ऑटो रिक्शा रॉकेट चलते हैं, रॉकेट। तेरा मुंह देख, रॉकेट शूट करता है तुझे। क्यों पढ़ लिख भी जाता ना तेरे से, तब भी ऑटो रिक्शा चलाते हो। साहब जी तुम इससे बात करो, यहाँ यूएस में मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव किया ना, तो मैं आप पर सू कर दूंगा। यहाँ आके सू करते रहते हैं, वहां जहाँ खाली जगह देखे वहां सुसू कर देते हैं, थप्पड़ मारो उधर। ये जगह जगह फर्क है, यहाँ सू बनता है वहां सुसू बनता है। घटिया बात करता है। साहब जी मेरी बात सुनो, आपको पता है यहाँ यूएस में ना नौकरों की बड़ी इज्जत है, आप जैसे मालिक तो घर घर में धक्के खा रहे हैं। बाहर वहां मैं लगा दूंगा लिख के कि नौकर अवेलेबल, 100 लोग आ जाएंगे, आप लिख के लगाओ कि मालिक अवेलेबल, 1 आवारा कुत्ता तक नहीं आएगा। अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतनी बेइज्जती होती है। ये आवारा कुत्ता आएगा भी नहीं, यहाँ कुत्ते होते नहीं, तू पहला ही है।
साहब जी मेरी मत पकड़ के ले जाएंगे, मेरी बात सुनो, आप मेरे से तमीज से बात करो। इस वक्त मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ, आपको पता है बाहर मैं गाड़ी तो कराया हूँ, जो मालिक था वो मेरे को $100 दे रहा था, मैं कहा जाओ जाओ 300 रुपए तो मैं इंडिया में लेता हूँ। आपको पता है फिर उसने मुझे 400 रुपए दिए और थैंक यू भी बोला। स्कूटर की हेडलाइट जैसा तेरा मुंह है, बातें तो गाड़ियों की कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा तू करने क्या आया। ये देखो सारी जिंदगी स्कूटर देखा, दिमाग में भी स्कूटर ही चल रहा है, दिमाग में भी स्कूटर चल रहा है। मैं एक दिन पूछा, मैं दो और दो कितना देखे थे, 4 स्कूटर स्कूटर दिमाग। आपको बाहर जाकर निकल के देखो, एक्सक्यूज मी माय फॉरनर फ्रेंड, कैन यू थ्रो हिम आउट, इज डिस्टर्बिंग मी। मेरी बात सुन ले, वो जो आए ना सिक्योरिटी वाले, उनको सिर्फ मेरा ही पता है। साथ में मेरी बात सुनो, आप बता के सिंगल नहीं देखा, नौकर होने का यही नुकसान है। साहब जी मेरी बात सुनो, बाहर निकल के देखो, पता कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। आपको पता है मैंने कार जैसी बिल्कुल एक बस देखी, बस उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी आपकी बीवी की तरह। ये पानी ले जा, इनमें थोड़ा पेट्रोल डाल के ला। हाँ जब दूर से फेंक के मार इसके मुंह पे, बेवकूफ आदमी, उसको लिमोजिन बोलते हैं। अच्छा बस नहीं होती वो, कार ही होती है वो। हाँ ठीक है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं वही वाली गाड़ी दूंगा। सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है, गाड़ियां धोने तक ही सोच है, तभी भगवान ने मुंह पोछे जैसा बनाया इसका, और इनका मुंह वैक्यूम क्लीनर जैसा है। मैं दूर से ले रोटी लेकर आता हूं, ये ऐसे खींच लेते हैं। तेरा खुद का मुंह तवे जैसा है, तेरे को देख के रोटी फूल जाती है। मेरे तवे जैसा है तो कभी इसमें अंडा भी फोड़ दिया करो, तभी मैं ऑमलेट का मुंह भी देख लूं। ऑमलेट की बात कर रहा, अंडा इसने पहली बार हमारे घर में देखा था और आज तक देख रहा हूं सेम अंडा। 8 साल हो गए हैं, आपने कौन सा खरीदा था, वो तो मुर्गी ने शराब पी हुई थी नशे में, उसका अंडा बेचारी का निकल गया। उस अंडे को संभाल कर रखा, पूरे मोहल्ले को दिखाते रहते, देखे देखो हम अंडे वाले हो गए, ये देखो हम अंडे वाले हो गए। उसमें जो 2-3-4 बार चूजा भी बाहर निकलने के लिए आ गया, चल चल तेरा कोई काम नहीं है बाहर। ये बात नहीं मिली, चूजे वाली बात इसने ओवरलैप की है ऐसे। चलो हंसी तो आई कि नहीं, अब आई है। हाँ जी साहब जी, अरे मेरी बात सुन, इसमें अगर आपके पास अंडा है तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बताइए। बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तो तू देखे दिखा तो ये मैं क्यों मुंह तेरा शत्रुमर्ग जैसा, दे दे अंडा चेक कर ट्राई कर। तो अंडा मुंह से थोड़ी दिया जाता है, तो जहां से दिया जाता है तेरा मुंह भी वैसा ही है। ये साहब जी अपनी ज्यादा अच्छा, मुझे लगता है अभी फ्री टाइम में मेरा मूवी देखते रहते हैं फिर। साहब जी मेरी बात सुनिए, आपने अगर ऐसा करना है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको पता है कहाँ जा रहा है? बस मैं जा रहा हूँ। जा कहाँ रहा है? मेरी जेनिफर लॉफिस से थोड़ी सी मीटिंग है। वाह। हाँ जी, सामने से मिलने जा रहा है? बिल्कुल, जूलिया रॉबर्ट्स से मिल के आना। जा। नहीं साहब जी, मुझे आदमियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज देख लो इस गरीब आदमी की, जहाँ रॉबर्ट लगाओ आदमी समझ लेता है। साहब जी नॉलेज तो मुझे आपकी पता है, आपको पता ना आपका, इनको इनकी नॉलेज मैं बताता हूँ। कैसी नॉलेज इनकी? मनी एक्सचेंजर वाले के पास गए, कहते मनी एक्सचेंज कराने, एक्सचेंज कराने, कहते हाँ जी हाँ जी हो जाती है, कहते $10 दे दो। कहते डॉलर ले रहे फ्री लेने आए यहाँ पे। अच्छा क्या हुआ, हो जाता है जल्दी। साहब जी मेरी बात सुनिए, नॉलेज मत चेक कीजिए, नॉलेज मेरी बड़ी है। आपको पता है मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया काम देखकर आया हूँ। कौन सा? मैंने पूरा अमेरिका घूम लिया, यहाँ कोई भिखारी नहीं है। सारा मतलब आप समझ गए, फिर भी पूछ रहे हैं मतलब। साहब जी यहाँ पर हम अगर भीख मांगने का धंधा खोलें ना, बड़े अमीर हो जाएंगे। देखो 6 लोग आप हो, 20 आपके ससुराल वाले, 26 टोटल हो गए। आप तो पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइजी खोल सकते हो भीख मांगने की। भिखारी के कटोरे जैसा मुंह है इसका, आइडिया भी वैसे देता है। साहब जी ये तो मैंने आप लोगों का मुंह देखे आइडिया दिया है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको पता है जिस हिसाब से हमारे अंदर टैलेंट है, हम दिनों में लखपति बन सकते हैं। क्या टैलेंट है तेरे में? बड़ा टैलेंट है मुझ में, दिखा तो। थोड़ा तो मैं निकाल भी आया हूं। अकेला छोड़ना जरा स्टेज पे जाओ फिर आप। नहीं मैं जाऊं? काम क्या खराब कर दिया, वो जाते नहीं मैं जाऊं। नहीं मैं थोड़ा सा टैलेंट दिखाना चाहता हूं।
वो इतनी दूर दूर से कोई 12 घंटे की ड्राइव करके आया, कोई टिकट, ये मुंह देखने थोड़ी ना आए वो। जोरदार तालियां इनके लिए। पर मैं आपको एक बात कहनी चाहता हूँ, ये जो है ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है ये। ये इतना टैलेंटेड है, सोचो आप, ये मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, वो नौकरी छोड़ के नौकर बना घूम रहे थे। चलो दिखाओ सीरियसली टैलेंट दिखाओ। मैं सीरी चंदन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं हेलो 911 एक पागल आदमी स्टेज पे खड़ा कह रहा है मेरे में टैलेंट बहुत है, आप पकड़ के ले जाएंगे? ओके वो बोलते म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भेज रहे जो कूड़ा उठाने आती है। साहब जी आपको कुछ नजर आ रहा है, इधर आओ साहब जी मेरी बात सुनो। अच्छा मुझ में वाकई में बड़ा टैलेंट है, आप थोड़ा सा टैलेंट दिखाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज ताली मार देना, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी मार देना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। एक छोटी सी थैंक यू वेरी मच, इधर से ताली नहीं है, मेरे साथ बैर है आपका। थैंक यू। अच्छा एक छोटी सी मिमिक्री की आइटम है कि लंगर किस किस को पता, लंगर सबको पता है। देखिए बिट्टू शर्मा के मोहल्ले में लंगर लगा, तो लंगर खाने के लिए लंगर बांटने के लिए बॉलीवुड के स्टार आ गए। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि बिल्ली को बोला जाए कि दूध की रक्षा करनी है, दूध को संभाल के रखना है, उस बिल्ली की कंडीशन क्या होगी? सेम वही कंडीशन बिट्टू शर्मा की तब हुई जब बिट्टू शर्मा को बोल दिया लंगर आपने बांट रहा है। मतलब जिस बंदे ने हमेशा जिंदगी भर लंगर छीना ही हो उस बंदे की कंडीशन क्या होगी? अब बॉलीवुड से स्टार भी आ गए हैं। नाना पाटेकर साहब लंगर कैसे बांट रहे थे? सबसे पहले वो अपने डायलॉग बोल रहे थे, अगर आपको आवाज अच्छी लगे तो प्लीज ताली जरूर मारना। नाना पाटेकर साहब